सूरजपुर जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित देवनगर में धान खरीदी के दौरान किसानों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समिति प्रबंधक अशोक कुमार साहू ने खास चर्चा के दौरान बताया कि अभी तक हमारे यहाँ 1681 क्विंटल धान की खरीदी किया जा चुका है एवं 6000 क्विंटल का उठाव भी हो चुका है। 1560 पंजीकृत किसान है, उन्हें किसी प्रकार की धान बिक्री करने में परेशानी नहीं होगी क्योंकि समिति के द्वारा किसानों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं कृष्णपुर के धान खरीदी केंद्र प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यहां अभी तक 2029 क्विंटल धान खरीदी हो चुका है एवं 1640 क्विंटल धान का उठाव भी हो चुका है एवं बारदाना भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था समिति द्वारा किया गया है। 9 रुपए जो प्रशासन द्वारा हम लोग को प्रासंगिक रूप से मिल रही है वो लोडिंग देना उसमें असंभव टाइप की बात है, लेकिन अभी प्रशासन के कहने पर हम लोग समिति से ही लोडिंग दे रहे हैं करके आदेश जारी किया है। तो लेकिन इसके लिए मांग रखा गया है अगर प्रदेश स्तर पे जिला स्तर पे ज्ञापन सौंपे हैं करके हम लोग अच्छा कि हमारी मांग को पूरा करते हुए हमारी व्यय 25 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो मांग किए हैं उसे पूरा हो जाता तो किसानों को थोड़ा सा राहत मिलता, क्योंकि किसानों को थोड़ा सा परेशानी इसमें अब उठाना पड़ रहा है क्योंकि 9 रुपये क्विंटल में। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार सिंह। ये धान समिति केंद्र उपार्जन केंद्र जो है ये कौन सा है? एकेशपुर है, मैं खरीदी प्रभारी। अच्छा। धान खरीदी प्रभारी राजेश। अच्छा, इस केंद्र में धान बिल्कुल आपके खलिहान में मैदान में दिख ही नहीं रहे हैं, कारण क्या है और उठाव कितनी हो चुकी है? रोपाई अभी इस साल थोड़ा पानी की वजह से लेट हुआ जी, इसके कारण ही हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा लेट में ही किसान आएंगे और 100-200-300 क्विंटल की डेली खरीदी हो रहा है। अब पंजीकृत किसान 774 हैं जी, है ना। अभी खरीदी कितनी हो चुकी है सर? खरीदी 2029 क्विंटल। आप कौन से समिति उपार्जन केंद्र के संपादक प्रबंधक हैं? देवनगर। देवनगर, क्या नाम भैया? अशोक कुमार साहू। यहाँ कितनी खरीदारी हो चुकी है अभी तक? अभी तक 10681 क्विंटल। और उठाव वगैरह का? उठाव आपका है 6000। कितने किसान पंजीकृत हैं? 1560। 1560। यहाँ बारदाने वगैरह क्या पोजीशन है? बारदाना अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पर्याप्त मात्रा में है। किसानों की कोई समस्या? अभी तक तो कोई समस्या नहीं। आप लोगों के लगातार लगभग पूरे राज्यों की समस्याएं चल रही है कि हमाली के बाद जो मिलरों का जो ट्रांसपोर्टिंग का मामला है, वेतन मतलब उसकी मजदूर भुगतान आप लोगों को। R9 भारत न्यूज संभाग हेड अजीम अंसारी।